लोकसभा चुनाव अब सबके सर पर चढ़कर बोल रहा है। लेकर चलते हैं हम आपको तस्वीर दिखाने के लिए नितेश नामदेव एंकर, जो कि एक युवा नेतृत्व लोगों में चर्चा का विषय है। ऐसे में इनका समर्थन की शोर हम आपको उनका वक्तव्य सुनाएंगे, खास लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी क्या राय है। लेकर चलते हैं उनके वक्तव्य सुनाने के लिए। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से चुनावी संग्राम, त्रिकोणी संघर्ष की संभावना, किस तरीके से आप इस चुनाव को ले रहे हैं? आज अपना आपको तो मालूम है लोकसभा का इलेक्शन चालू है। आज हमारे बाल्या मामा, उनकी निशानी बजाने वाला सुतारी, और इस बार बहुमत से बाल्या मामा विजय होंगे, ये हम सभी को विश्वास है। तो क्या कहेंगे जिस तरीके से यहाँ पर समस्या इतना ज़्यादा है, कुछ अपेक्षाएं होंगी, क्या कहेंगे? अभी आपको तो मालूम ही होगा आज रोड की हालत, जो रोड 8 महीना जो पूरा जब सैंक्शन हुआ था नीति, वो इलेक्शन का मुद्दा लेके आज वो रोड चालू किए। आपने तो देखा होगा, आप वही वार्ड में रहते हो, गणेश नगर हुआ, भाग्य नगर हुआ, आने जाने का, आज आपको मालूम है एक मैयत होएगा ना, मैयत, वो मैयत लेके नहीं जा सकते लोग, ये ऐसी स्थिति आज इन लोगों ने करके रखी है। और जनता आज सब मतलब सोच के ये सब बाल्यामा के पीछे खंबीरता से खड़ी है, और उनको बाल्यामा को इस वार्ड से जो लोग उन्होंने जो चुने हुए 10,000 है कि 15,000 है वोटिंग, सबसे ज़्यादा वोटिंग इस वार्ड से नहीं, इस कामत घर पट्टे से बाल्यामा को भारी संख्या में गिरने वाली है।